हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट में आज हम बात करेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन की, जिसे हम कहते हैं ओआईसी। ओआईसी मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। हम आपको बताएंगे इसका गठन कब हुआ, कितने देश इसके सदस्य हैं, कहाँ है इसका मुख्यालय, भारत इसका सदस्य देश है या नहीं है। साथ ही बताएंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें ओआईसी यानी ओशियन इस्लामिक कॉरपोरेशन संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के बाद 57 राज्यों की सदस्यता के साथ, 57 राज्यों का मतलब 57 देशों की सदस्यता के साथ दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। यानी ओआईसी संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। इसके अलावा भारत ओआईसी का सदस्य नहीं है, हालांकि वर्ष 2019 में विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने परिषद के 46वें सत्र में भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा यह मुस्लिम जगत की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुस्लिम दुनिया के हितों की रक्षा के लिए काम करता है। हाल ही में इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें न्यूज़ में है ओआईसी। यह वर्ष 1969 में मोरक्को, जो कि एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है, के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के निर्णय के आधार पर स्थापित किया गया था ओआईसी। हम आपको बताते हैं कहाँ इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय जेदा सऊदी अरब में है, यानी जेदा एक शहर है सऊदी अरब में, वह इसका मुख्यालय है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ओआईसी का गठन कब हुआ, 1969। निम्नलिखित ऑर्गेनाइजेशन में भारत किस किस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन आएंगे ओआईसी, यूनाइटेड नेशन, संघाई और सार्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओआईसी का भारत सदस्य देश नहीं है। ओआईसी का मुख्यालय कहाँ है, ओआईसी का मुख्यालय जेदा सऊदी अरब। हमने बताया आपको इस ओआईसी के बारे में, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के बारे में। हमारे आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।